नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले में थाना दिवस संपन्न हुआ, जिसमें राधानगर संपूर्ण समाधान थाना दिवस में जिला अधिकारी महोदया श्रुति जी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और खागा कोतवाली में खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार जी, पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में खागा तहसीलदार ईवेंद्र कुमार जी और खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी, कानून व लेखपाल, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहे, जहां 6 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें 2 का निस्तारण मौके पर हुआ और 4 शेष प्रार्थना पत्र जल्द निस्तारण कर रिपोर्ट मांगी गई। आप लोगों को बताते चलें कि अगर फतेहपुर जिले के संपूर्ण थाना दिवस की बात करें तो आज पूरे जनपद से 103 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 75 पुलिस विभाग से संबंधित, 28 राजस्व विभाग संबंधित और 10 पुलिस से संबंधित। सभी जगह से 7 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया है और शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को देते हुए जल्द निस्तारण कर रिपोर्ट मांगी गई। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। मना कर दिया, 6 महीने पड़ी है, कानून हमको दिलाएगी उसको लेंगे। अरे यार साहब, हम रोका है आपको, हमें साथ गाड़ी साहब हमारी नहीं रुका हुआ है, तो बहुत ध्यान रखते हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ समझ में आता है, वो आपका काम है, जी सर, और ये बात